और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, आईडीएफ के हमले पर इजरायली पीएमओ का भी बयान सामने आ गया है। हमास ने सीज फायर का समझौता तोड़ा है, आज महिलाओं को छोड़ने का वादा पूरा नहीं किया, ये इजरायली पीएमओ की तरफ से कहा गया है। हमास ने इजरायली नागरिकों पर हमले भी किए हैं। सरकार जंग के नतीजों को पाने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे में इन हमलों की शुरुआत के बीच पीएमओ का ये बयान, इजरायली पीएमओ का बयान, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सीज फायर की जो शर्तें थी उसका उल्लंघन हमास की तरफ से किया गया। और देखिए, लगातार एक तरफ आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तो उसी वक्त हमास और हिजबुल्ला की हूती के हमले भी किए गए हैं। पहले दो राउंड से ज्यादा विध्वंसक जंग के बीच लगातार आपस में ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है और सवाल अब ये है कि आगे क्या होने वाला है हैदर। और खासतौर पर यह भी मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से अभी मोटे तौर पर अभी दोनों तरफ से ये जंग और भीषण रूप लेती जा रही है। बिल्कुल, सीज फायर खत्म हो गया है सुमित, जैसा हमें बता रहे हैं जंग प्रचंड नजर आ रही है, आईडीएफ का प्रहार हर तरफ नजर आ रहा है, इसराइल पर भी अटैक किए गए हैं। और इसराइल देखिए यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले हमास ने जो सीज फायर की शर्तें हैं वो तोड़ी, इसराइल के शहरों को निशाना बनाया गया, बैक टू बैक अटैक किए गए रॉकेट्स के जरिए, जिसे हमने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नष्ट किया और उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एक तो मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं जो कि वॉर जोन से लौटे हैं, इसके अलावा अश्विनी सिवाच साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डीके पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नजर आता है, क्योंकि देखिए फुल फ्लेजेड वॉर तो शुरू हो चुकी है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं, लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि शुरुआत हमास ने की हमलों की, उसके बाद हमने जवाब दिया, हमास ने शर्तों का पालन नहीं किया इसलिए सीज़फ़ायर तोड़ना पड़ा, इस बात में, इस दावे में कितना दम है? देखिए, तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं जिसकी वजह से जो है सारा जो आग दोबारा धधक उठी है। पहला घटना जो हुई सुबह 7 बजे जब सीज फायर खत्म हुआ, 7:40 पर रॉकेट्स जो है वो लॉन्च किए गए इसराइल की ओर और आईडीएफ ने उससे रिएक्ट किया और बाद में स्ट्राइक शुरू हो गई। जब एक बार हमास से रॉकेट्स आने शुरू हुए तो निश्चित रूप से इसराइली सेनाओं का प्रत्युत्तर देना स्वाभाविक था। और उसके बाद जो एक घटना और जो हुई जिसका आपने जिक्र किया कि गिवाट शॉल जंक्शन जो कि जेरूसलम के पास आउटस्कर्ट्स में होली सिटी के बाहर, वहां पर जो दो हमास के आतंकवादियों ने हमला किया लोगों पर और उसमें दो लोगों की जान भी गई, हालांकि बाद में आईडीएफ की फौज के जो लड़ाके थे उन्होंने उनको दोनों लड़ाकों को धराशायी कर दिया। तो ये तीसरी बात, यूनाइटेड नेशंस में कल भर्त्सना की गई थी कि हमास ने जो भी किया 7 अक्टूबर को वो बहुत ही गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब हमास को ऐसा लग रहा था, ईरान और उनका पूरा ग्रुप है कि ऐसा लग रहा था शायद उनके हाथ से वो चीजें निकलती जा रही हैं और वो उनका जो कूटनीतिक एक दबाव बनाने का प्रयास था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। और तीसरी बात जो मुझे लग रही थी कि शायद उनके पास अब उनको जो उनको रिकमेंड थी, जो उनके बंधक जो थे इसराइल के पास, जो महत्वपूर्ण बंधक थे, लैक शायद उनको छोड़ दिया गया, स्पेशली महिलाओं का और पुरुषों की बात हो रही थी। ध्यान रहे, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर जरूरी ये भी देखना है कि काम लेने की शुरुआत तो इजराइल की तरफ से कर दी गई है, लेकिन अभी भी आईडीएफ ने खुद कहा है कि महिला बंधकों को नहीं छोड़ा गया है, यानी उनको लेकर आगे क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है सुमित? देखिए बिल्कुल, अगर आप पीएमओ के उनके स्टेटमेंट पढ़े तो उसमें साफ तौर पर आखिरी लाइन में यह लिखा है कि अब जो सारा निष्क्रिय या फिर जो सफलता मिलेगी या फिर जो सारा फैसला किएगा वो डिफेंस फोर्सेस के हमलों से ही किया जाएगा, उसका लबोलबाप यही है। और अभी अगर आप देखें कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा के बीच में एक वैक्यूम एरिया नो मैंस लैंड के तौर पर क्रिएट किया गया है जो 4 से 5 किलोमीटर का है, और खास बात यह कि उसी एरिया के अंदर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। बिल्कुल सुमित, ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और इजरायली पीएमओ की तरफ से भी बिल्कुल ये साफ कर दिया गया है कि एक बार फिर जंग की शुरुआत हो रही है और रीजन हमास को बताया गया, हमास को जिम्मेदार ठहराया गया है इसके लिए।